कौन नहीं का हम का हम पीके के हो पीके सिक्योरिटी कोई है कि नहीं वहां लोग पीपा क्या आ जाते Gujarat was रियली really appalling. अकॉर्डिंग टू मी somebody लाइक मोदी इज I mean, there were Indians killed over there. There were innocent right. Indians who were killed. It's completely irrelevant whether they were Hindus or Muslims no, or Christians sorry, or Parsis sorry, sorry. Or, or Sikhs. Yeah. There were Indians being killed. And for which no one has been punished so far. By a leader, who's supposedly a leader and he is responsible. He and his uh, party, he and his people are responsible for the killings. The audience has made us, nobody else has made us. The same people pointing fingers as also, they are only making these nepotistic stars. You are ja going to watch a film, dekhne.

यहाँ मात्र यह बात है कि इसका पैसा फंसा हुआ है और इसका पूरा व्यवसाय डूब जाएगा इसका ईगो तो देखिए कि अभी भी न तो क्षमा मांग रहा है ना गलती स्वीकार कर रहा है बल्कि यह कह रहा है कि बहिष्कार मत करो देखाओ मुझे अपने देश से बहुत प्यार है हिंदुओं से ना तो क्षमा ना अपनापन कुछ नहीं वैसे ये भांडगण इतने नीच होते हैं कि 11 अगस्त आते आते यही आमिर खान यह भी कहता पाया जा सकता है कि इसके दादा हिंदू थे और उसके घर में मंदिर है जहाँ वो हर शाम दिया कर आरती करता रहता है, है। लाल को हिट कराने के लिए पी से करार किया गया ताकि उसे अधिक से अधिक स्क्रीन मिल सके जबकि चड्डा की चड्डी में हिंदू घर बैठे इतने छेद कर देंगे कि आमिर खान तय नहीं कर पाएगा कि ऑल्ट न्यूज को देने वाले पैसे किस छेद से और कैसे गिर गए आप हिंदू हैं इसलिए आप सदैव ही आमिर शाहरुख सैफ जैसे लोगों के लिए पैसे कमाने का माध्यम मात्र रहेंगे जिनके पैसों से आपके ही विरोध में हो रहे दंगों को पीएफआई से लेकर ऑल्ट न्यूज और तुर्की तक फंड करते रहे यह भी याद रहे कि जिनकी फिल्में आ रही हैं उन्होंने कन्हैया उमेश निशंक अंकित सानू या प्रवीण की हत्या पर जो पिछले छः सप्ताह में हुई है एक शब्द नहीं बोला है उन्होंने सर तन से जुदा वालों पर एक शब्द नहीं बोला है लाल सिंह चड्डा रही है ग्यारह अगस्त को हम सभी को लंबे समय से इसकी प्रतीक्षा थी कि कब आएगी फिल्म जब आमिर खान से इतना प्रेम हो तो प्रतीक्षा तो रहेगी ही साथ ही इसमें करीना कपूर खान भी है एक तो कपूर ऊपर से खान तो इनका तो बनता है जो इन्होंने पैसे देने वाली जनता को कहा था इनका कहना है कि हम तो नहीं बुलाते तुम्हें फिल्में देखने को तुम स्वयं आते हो मत आओ कोई जबरदस्ती थोड़े है आमिर खान वही हैं जिन्होंने कोर्ट एस आदि से पहले ही शेखर गुप्ता के साथ लाल किले में पैदल चलते हुए कहा था कि मोदी ने ही गुजरात दंगों में लोगों को मरवाया था उसने यह भी कहा था कि भारत में उसे कोई दंड नहीं मिला पर देखिए अमेरिका ने उसे वीजा देने से मना किया वीज़ा न देने की अपील करने वालों में लाल सिंह चड्डा भी सम्मिलित थे आमिर खान आज लोगों से यह कहता फिर रहा है कि उसे अपने देश से बहुत प्यार है ये बात और है कि उसने यह नहीं बताया कि उसका देश पाकिस्तान है या तुर्की तुर्की के राष्ट्रपति अरदवाँ की रैवीज ग्रस्त पत्नी के साथ बैठने वाले आमिर खान को यह बात पता थी कि उस औरत को और उसके पति को भारत से कितनी घृणा है उस जाहिल औरत और उसके पति का भारत को लेकर एजेंडा क्लियर रहा है कि यहाँ के हिंदुओं को और यहाँ की सत्ता को किसी भी तरह से बर्बाद करना है चाहे फंड देकर करें या फिर कवर फायरिंग देकर पी जैसी संस्थाओं की फ़ंडिंग तुर्की से खूब होती रही आमिर खान को अचानक से इतना प्यार कैसे हो गया इस देश से जहां उसकी पत्नी को उसके बच्चों को लेकर 2015 में अत्यधिक चिंता हो रही थी कि ये तो अब देश रहने लायक रहा नहीं यहां तो असहिष्णुता बहुत हो गई है भाई जब हिंदू इंटॉलरेंट हो गए थे तो उन्हीं हिंदुओं को क्यों ये फिल्म दिखाना चाह रहे हो जैसा कि महान फिल्म समीक्षक केजरीवाल जी ने कहा है यूट्यूब पर डाल दो सब देख लेंगे मेरी राय और अच्छी है कि मस्जिदों में डायरेक्ट स्ट्रीमिंग कर दो इसकी इंटॉलरेंट हिंदुओं को क्यों अपनी महान कला दिखाना चाहते उन्हें तो इनका पोस्टर तक नहीं दिखाना चाहिए था वो क्या जाने आर्ट क्या होता है आर्ट तो मुगलों ने लाया था वो तो मारकाट और दंगों में व्यस्त रहते हैं है कि नहीं आमिर खान का सत्यमेव जयते याद है उस समय भी बहुत ही सूक्ष्म तरीके से हिंदू ही निशाने पर थे उसके एपिसोड दर एपिसोड जो भी समस्याएं दिखाई गई सब में हिंदू ही वैयक्तिक तौर पर या सामाजिक तौर पर अपराधी थे इस व्यक्ति को इस्लाम में कभी कोई समस्या नहीं दिखी इसका बोला हुआ एक एक शब्द उसी हिंदू समाज के प्रति दुर्भावना को प्रदर्शित करता है जो इसकी फिल्मों को सौ से लेकर हजार करोड़ तक का व्यवसाय देते रहे लेकिन अब लगता है कि चड्डा की चड्डी अंततः हिंदू वैसे ही उतार देगा जैसे पीके के के इस दृश्य में आमिर ने किया था हर पीके तो हिंदू घृणा और हिंदू सहिष्णुता दोनों की ही पराकाष्ठा थी सारा अंधविश्वास शिव दुर्गा गणेश कृष्ण बजरंगबली आदि के लिए ही था काबा जाकर पत्थरों को चूमने वाले आमिर खान ने हिंदुओं के प्रकृति पूजन को पत्थर और पान के कत्थे से अपमानित किया था हिंदुओं को यह नहीं भूलना चाहिए त्रिशूल लेकर भागते शिव जी का दृश्य और मूत्रालय में ओछे तरीके से इसको फिल्माना बताता है कि आमिर जैसे हिंदू फोबिक एक्टर हिंदुओं की भावनाओं का अपहास करने में किसी भी सीमा तक जा सकते हैं यही काम अगर एक भी इस्लामी प्रतीक को लेकर इसने किया होता तो आज वो जीवित ही नहीं होता इसलिए ऐसे लोग आम जीवन में भी अभिनय ही करते रहते हैं ये जो आज प्लीज मेरी लाल सिंह चड्डा देख लीजिए इसकी गुहार लगा रहा है उसमें कोई भी विनम्रता या पुराने पापों को लेकर आत्मग्लानि नहीं है यहाँ मात्र यह बात है कि इसका पैसा फंसा हुआ है और इसका पूरा व्यवसाय डूब जाएगा इसका ईगो तो देखिए कि अभी भी ना तो क्षमा मांग रहा है ना गलती स्वीकार कर रहा है बल्कि यह कह रहा है कि बहिष्कार मत करो देखाओ मुझे अपने देश से बहुत प्यार है हिंदुओं से ना तो क्षमा ना अपनापन कुछ नहीं वैसे ये भांडगण इतने नीच होते हैं कि 11 अगस्त आते आते यही आमिर खान यह भी कहता पाया जा सकता है कि इसके दादा हिंदू थे और उसके घर में मंदिर है जहां वो हर शाम दिया जलाकर संध्या आरती करता रहता है आमिर खान यहीं नहीं रुकता इसका गंदा धंधा यहाँ तक है उसे समझने के लिए आपको बहुत खुदाई करनी पड़ेगी मोहम्मद ज़ुबैर याद है वही जिसके एक ट्वीट के बाद छह हिंदुओं को तन से जुदा गिरोह ने धारदार हथियारों से काट कर फेंक दिया वही जुबैर जो ऑल्ट न्यूज़ की आड़ में हिंदुओं के विरोध में प्रोपगेंडा चलाता है और हर मुसलमान अपराधी हर मुसलमान आतंकी को बचाने का हर संभव प्रयास करता है अगर पिछले पाँच छः सालों में हुए दंगों और हिंदुओं के विरुद्ध हुए अपराधों को देखें तो उसकी जड़ में यह संस्था प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से दंगाइयों को पत्थरबाज से वॉलेट वाला बताती दृष्टिगोचर हो जाती है जानते हैं इस संस्था को फंड देने वाले लोगों में किस अभिनेता का नाम आमिर खान का मतलब इस व्यक्ति ने हर उस कार्य में सहयोग दिया है जिससे हिंदू व्यक्ति और हिंदू समाज की छवि भारत राष्ट्र की छवि न केवल देश में बल्कि विदेशों में भी धूमिल हो बात केवल फिल्मों की नहीं है बात यह है कि लोक संस्कृति के सामूहिक विचारों को आकार देने में फिल्मों का सबसे बड़ा हाथ होता है ऐसे में आप एक एजेंडा बार बार ढकेलते रहते हैं तो लोगों के मस्तिष्क में वही बात बैठ जाती है वह अपने ही भगवानों का उपहास देखते हुए उसे सहने लगता है और बाद में करने लगता है इसका प्रभाव आपको प्रत्यक्ष नहीं दिखता इसका प्रभाव आपको एक पूरी पीढ़ी के धर्म विमुक्त होने पर दिखता है जो न केवल लव जिहाद जैसे व्यवस्थित अपराधों की बलि चढ़ते हैं बल्कि कन्वर्जन माफिया के लिए सहज शिकार उपलब्ध कराते आमिर खान जैसे लोग ऐसे हर अपराध को तीन स्तर पर सहयोग देते हैं पहला स्तर है कि फिल्मों के माध्यम से हिंदू फोविक सामग्री को सामान्य लोगों तक भेजना दूसरा स्तर है उससे प्राप्त पैसों से पीएफआई या ऑल्ट न्यूज जैसी संस्थाओं को डिजिटल नैरेटिव बनाने में परोक्ष सहयोग देना और तीसरा स्तर है हिंदुओं पर हो रहे अपराधों पर चुप रहते हुए मुस्लिमों पर सामाजिक अपराधों को मजहबी रंग देकर उस पर खूब बोलना ताकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक हिंदुओं को एक शैतानी विचारधारा के रूप में दिखाया जा सके लाल सिंह चड्ढा इसी घृणा को आगे बढ़ाएगा लाल सिंह चड्ढा वैसे तो स्वतः ही अपनी घटिया पटकथा और दो कौड़ी के अभिनय के कारण पिटेगी ही पर हमें यह सुनिश्चित करना है कि इसका घाटा अधिकाधिक हो सके एकदम फिल्म के ही संदर्भ में भी कहें तो आपको ट्रेलर में ही आमिर की वही घिसी पिटी आँख चढ़ाने वाली एक्टिंग दिख जाएगी जब अभिनेता कैमरे के सामने अभिनय करने की जगह अभिनय करता हुआ दिखने की चेष्टा करता है तो वह फिल्म में पात्र को नहीं स्वयं के ब्रांड को अभिनित करता है आमिर खान ने जितनी वाहियात एक्टिंग इस फिल्म में की है इससे अच्छा है कि आप तीन स्क्रीन पत्ती यानी टी वालों का स्पूफ देख लें इसी फिल्म का उसमें किए गए अभिनय में एक सहजता दिखती है कार्य के प्रति सत्यनिष्ठा दिखती है जबकि आमिर खान एक उत्कृष्ट फिल्म की भद्दी नकल उतारने में भी असफल दिखता है लाल सिंह चड्डा फॉरेस्ट गंप के समक्ष वैसे ही दिखती है जैसे कॉलेज के समय में दस साल पुराने किसी सीनियर के नोट के हज़ारों फोटोकॉपी के बाद की फोटोकॉपी जिसमें बस इतना ही समझ में आता है कि सब्जेक्ट क्या है टॉपिक क्या है और आप कल्पना करते हैं कि इस विषय पर नोट में तो यही लिखा होगा आमिर खान की औकात नहीं है कि वो फॉरेस्ट गम्प के एक फ्रेम को भी ठीक से निभा ले। हर डायलॉग के साथ बोलकर एक मानसिक रूप से असामान्य व्यक्ति का अभिनय सहज नहीं हो जाता हिंदुओं का अपमान करना होता तो एक बार में वन टेक भगवान की पादुकाएं चुराने से लेकर सड़क किनारे सूटकेस पर भगवान की फोटो चिपकाकर कर मूत्र विसर्जन करते हुए आमिर खान बहुत ही सहस देखता लेकिन फॉरेस्ट के दर्शन तक ऐसी मानसिकता का अभिनेता कभी नहीं पहुंच सकता इसलिए भांडवुद के हर वो ऐसे व्यक्ति और उससे जुड़ी फिल्मों का बहिष्कार करते रहना चाहिए जिसमें हिंदू धर्म मात्र से घृणा प्रत्यक्ष है लाल सिंह चड्डा को हिट कराने के लिए पीवीआर से करार किया गया ताकि उसे अधिक से अधिक स्क्रीन मिल सके जबकि चड्डा की चड्डी में हिंदू घर बैठे इतने छेद कर देंगे कि आमिर खान तय नहीं कर पाएगा कि ऑल्ट न्यूज को देने वाले पैसे किस छेद से और कैसे गिर गए आप भी यह सोचिए कि करीना कपूर की बात आप टाल देंगे तैमूर की मम्मी कपूर खानदान की बेटी उसके बात की अवहेलना करेंगे आप अरे वो चाहे तो अकेले घर में बैठकर फिल्म को हिट करा देगी देखिएगा कि पैसे देकर कैसे रिव्यू लिखवाए जाएंगे चार स्टार से कम शायद ही मिले और आमिर की तुलना कुछ बिके हुए समीक्षक टॉम हैंक्स से करते हुए कह दें कि टॉम हैंक्स को अब लाल सिंह चड्ढा की रीमेक बनानी चाहिए आप ही बताइए क्या टॉम हैंक्स अपनी ही फिल्म देख कर अपने टी शर्ट से आँख पोजते हुए कभी दिखे तो बड़ा अभिनेता कौन हुआ आमिर खान जो कि फिल्मों के प्रमोशन के लिए आईपीएल की कमेंट्री से लेकर अपनी ही फिल्म के प्रीमियर में रोते हुए अपनी फोटो वायरल करवाता है और क्यों ना करवाए आखिर ये पी वाले कब काम आएंगे रिव्यू मैनेज करने से लेकर अब तो ये लोग कोर्ट द्वारा दिए गए दंड को भी परोपकार का काम बताए दिख जाते हैं शाहरुख खान वाला कांड देख लीजिए कि रईस फिल्म की शूटिंग के दौरान गुजरात में एक भगदड़ मच जाने से एक व्यक्ति की हत्या हो गई थी तो उसके कारण कोर्ट ने इसे दंड दिया था कि वो वहां पर आरो प्लांट लगवाए पानी के लिए लेकिन उसी आर के लगवाने को अब उसकी पीआर टीम यह कहकर जता रही है कि देखो शाहरुख भाई तो कितने परोपकारी लेकिन वो दिन अब गए कि टीवी के 10-20 शो बुक कर लिए हर जगह जाकर डायलॉग बाजी कर ली और लोग फिल्म देख लेते थे अब तो 2015 के दिन भी याद कराए जाते हैं और सबका हिसाब वही जनता लेती है जिसके दम पर हज़ारों करोड़ की हिंदू फोबिक फैक्ट्री साल दर साल मंदिर में मांस भक्षण पुजारी द्वारा जने पहनकर कर बलात्कार भगवान की फोटो लगाकर मूतना हिंदुओं को एक तानाशाही समाज बनाकर दिखाना ब्राह्मणों को हर भेदभाव की जड़ बताने से लेकर भगवान के नाम पर विद्रूप व्यंग किए जाते थे शमशेरा जब पिट गई और भारतीय फिल्म इतिहास की सबसे बुरी फ्लॉप बनी तो उसके निर्देशक और ए के छप्पन वाले नशेड़ी संजय दत्त ने कहा कि दोष तो देखने वालों का है फिल्म तो अच्छी ही थी इससे आमिर खान और करीना कपूर को एक राह मिल गई कि कांग्रेस भले ही हर बार सीटें हारती रही लेकिन दोस्त राहुल सोनिया या पार्टी नेतृत्व तो का नहीं है दोस्तों तो वोटरों का है जो समझ ही नहीं पाते हैं करीना से जब पूछा गया कि लाल सिंह चड्ढा के बहिष्कार का ट्रेंड चल रहा है तो उसका कहना था कि वो इन बातों को गंभीरता से नहीं लेती लेगी भी क्यों उसे तो पैसे मिल चुके हैं फिल्म डूबे या बचे उसे कोई अंतर नहीं पड़ता जबकि आमिर खान तो इस फिल्म का निर्माता भी है इसलिए उसे अभी से ही नई स्क्रिप्ट पर कार्य कर देना चाहिए कि वो लाल सिंह चड्डा हमारा है कह के क्या ट्रेंड चलाएगा शमशेरा को लेकर निर्देशक ने कहा कि शमशेरा महान था और उसने खूब समय लगाया था इस पर इसे विकसित करने में लेकिन आमिर खान तो वह भी नहीं कह सकता आमिर ने तो इसे कॉपी करने के राइट्स खरीदे हैं और उसी में चॉकलेट के डब्बे को गोलगप्पा बताकर बेचना चाह रहा है कि दोनों तो खाने की ही चीज़ें हैं फ्लेवर सेम है जी हिंदुओं को सदैव भी अपनी स्मृति में यह रखना चाहिए कि ऐसे छोटे छोटे कुत्सित आक्रमणों के कारण ही वृहद क्षति होती है और हमें पता ही नहीं चलता लाल सिंह चड्डा देखने जाएंगे तो आने जाने के दो तीन सौ रुपये टिकट के तीन चार सौ भीतर में खाने के दो तीन सौ और मिलाकर आपके सात सौ से हज़ार तक रुपये खर्च हो जाएंगे यह पैसा जुबैर के पोर्टल को जाएगा यह पैसा आमिर खान के प्रोडक्शन हाउस को जाएगा जो वापस आपके शिवजी को टॉयलेट में दिखाएगा और यही नहीं किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप ही का उपहास करेगा कि कुछ लोग इसे फ्लॉप करवाना चाह रहे थे लेकिन उनकी घृणा की हार हुई है आप हिंदू हैं इसलिए आप सदैव ही आमिर शाहरुख सैफ जैसे लोगों के लिए पैसे कमाने का माध्यम मात्र रहेंगे जिनके पैसों से आपके ही विरोध में हो रहे दंगों को पीएफआई से लेकर ऑल्ट न्यूज और तुर्की तक फंड करते रहे यह भी याद रहे कि जिनकी फिल्में आ रही हैं उन्होंने कन्हैया उमेश निशंक अंकित सानू या प्रवीण की हत्या पर जो पिछले छह सप्ताह में हुई है एक शब्द नहीं बोला है उन्होंने सर तन से जुदा वालों पर एक शब्द नहीं बोला है हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में याद कीजिए अखलाक के बारे में पूछा जाता था उस समय तभी आमिर ने इस तरह की बातें बोली थी इनटॉलरेंट गैंग की बात याद कीजिए आप लेकिन आज किसी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आमिर खान से यह प्रश्न नहीं पूछा जा रहा है कि अजमेर दरगाह का जो उसमें हाथ था कन्हैया लाल की हत्या से शुरू होने और जुबैर ने कैसे इसे ट्रिगर किया और वो आज प्रवीण तक पहुंचा है इसमें किसका हाथ है और इस पर इस पर उसके क्या विचार हैं सर से जुदा के नारे जो मस्जिदों से बोले जा रहे हैं उस पर आमिर खान का क्या विचार है ये पूछ भी नहीं रही है प्रेस मीडिया में चुप रहकर ये लोग ये उन दंगाइयों को इन अपराधियों को बढ़ावा दे रहे हैं इसलिए लाल सिंह चड्डा को पीली चड्डी में बदल दीजिए आमिर जैसों को दस्त आने चाहिए इसके फ्लॉप होने के बाद नमस्कार